वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे अपने बैग शैग रेडी करके, घर को साफ़ सुथरा करके हम लोग एकदम तैयार थे घर से निकलने के लिए। और कहाँ जाने के लिए ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये हमारा जो ट्रिप है बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसकी एक सीरीज़ चलेगी। मैं एक ही व्लॉग में ये पूरा ट्रिप जो है वो कवर नहीं कर सकती थी, लिहाजा आपको मेरे साथ जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा पल पल का, क्योंकि जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग जो है घर से 1:15 के करीब निकले थे रास अल खैमा से दुबई एयरपोर्ट आने के लिए, और ये कोई हमारे घर से आप कहने 1.5 घंटे की ड्राइव थी। दरमियान में हमें एक जगह स्टे भी था, तो हम ऑलमोस्ट 3 बजे तक जो है ये एयरपोर्ट पहुँचे थे। एयरपोर्ट आने के बाद फिर आपको पता है कि कितने सारे काम होते हैं, और जो भी होते हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ करने होते हैं, और वो जिस बंदे की ज़िम्मेदारी होती है उसको हाजिर दिमाग रहना होता है। और अगर आपके साथ जो है वो आपके मियाँ मौजूद हों तो फिर तो मैं कहती हूँ ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डोंट नो डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर हो जाती है। वो पता नहीं बीवियों को वैसे ही समझते हैं शायद, यार ये भूल जाएंगी, यार ये घुमा देंगी, ये संभाल नहीं सकती हैं, तो इसीलिए वो जहमत भी नहीं करते हैं हमारे हाथ में कुछ पकड़ाने की। कहाँ जा रहे हैं इतना सारा सामान लेके आप? जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं। ओके गुड। ओके बहरहाल यहाँ भी ये सारा का सारा काम और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये रब नवाज के पास थी, और पेपर्स उन्होंने संभालने थे, पासपोर्ट्स उनके पास थे, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। चेक इन का उनको था परेशानी कि भाई हमें कौन से काउंटर पर जाना है, तलाश में वो लगे हुए थे। मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली उनको फॉलो करना। टाइम देखिए यहाँ पर 3:30 हो रहे हैं, और हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन थकन हर चीज़ से पहले सबसे ज़्यादा जो एक ज़हनी आपको पता है परेशानी और टेंशन होती है कि यार खैर आफियत से हमारे सब के सब काम जो हैं वो हो जाएं, और वो हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब आप देख रहे हैं हम ये ट्रेन में आ रहे हैं। अब हम ट्रेन में क्यों आ रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि दुबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अगर आपको अगर आपकी फ़्लाइट है तो आप दुबई एयरपोर्ट आते हैं, आई डोंट नो वो टर्मिनल 1 है टर्मिनल 2 है कौन सा टर्मिनल पर हम आते हैं, वहाँ पर आने के बाद हम जो है वो चेक इन करते हैं, इमिग्रेशन काउंटर से होते हैं, हमें हमारे बोर्डिंग पासेस मिलते हैं। जब बोर्डिंग पासेस मिलते हैं और हमें हमारे गेट अलॉट होते हैं, हमें पता चलता है कि भाई कौन से गेट से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो उसके बाद जो है ना हमें अपने मुतल्लिका गेट तक जाने के लिए ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद हम अपने उस एयरपोर्ट के उस एरिया में आते हैं जहाँ पर गेट्स होते हैं, बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट होनी होती है, लाउंजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात, यस, दुबई एयरपोर्ट के लाउंजेस। तो मैं आपको बताऊं कि जब हमारा ये ट्रैवल मुझे पता चला था कि भाई हम जो है वो मलेशिया जा रहे हैं, रत्नवास का बिज़नेस शुरू था, तो अब मुझे पता चला कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मलेशिया जाने से पहले। पहले वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, सबसे पहले तो था ऑब्वियसली एयरपोर्ट, सो उसके लिए मैं एक्साइटेड थी। इन स्टेयर्स से मैं गिरी थी, ये तो होगा जब एक हाथ में फ़ोन होगा और आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे, एक हाथ में फ़ोन एक में बैग। बहरहाल दूसरी चीज़ जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी वो थी दुबई एयरपोर्ट के लाउंजेस। या और ये था हमारा मरहबा लाउंज, और हम जितने ज़्यादा थके हुए थे सुबह के निकले हुए थे ट्रैवल करके यहाँ पर आए थे, सोए भी ठीक तरह से नहीं हुए थे, 1.5 घंटे बाद हमारी जो है वो फ़्लाइट थी, तो उससे पहले पहले हमें जो है वो एक रेस्ट भी लेना था, नमाज वगैरह भी पढ़नी थी, अपने फ़ोन्स को भी दोबारा से चार्ज करना था, और पेट पूजा भी करनी थी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ना। क्या कह रहे हैं? मटन बिरयानी, लैम बिरयानी। लैम बिरयानी, और ये है हमारी प्लेट। मेरी प्लेट भी साथ साथ रिफिल करनी है आपने। अच्छा देखिए इसके साथ सादे चावल चलेंगे, ये चाउमीन है स्वीट एंड सॉल्ट चिकन। ओके बिरयानी के ऊपर ये ओकरा एंड लैम स्ट्यू है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। हाँ जी हाँ जी, मैंने डाल दिया, मेरे से टेस्ट कर लीजिएगा आप। लेकिन मेरी प्लेट में ये डालेंगे गोल गोल। क्या डालना है? गोल गोल, ये गोल गोल। और चाहिए? थैंक यू। नहीं एक एक नफर ये आपने खानी, क्या रह गया? हाँ थोड़ी सी वो भी ट्राई कर लेंगे हम। मेरी प्लेट भारी हो गई है, साइड पे साइड पे। ओके थैंक यू, थैंक यू। ये चम्मच मैं कांटा देता हूँ। ओके ये वाली चीज़ें हम बाद में आके ट्राई करेंगे, ठीक है? कैसी है बिरयानी? ऑसम। और नेक्स्ट चीज़ ट्राई करें, पनीर कढ़ाई, हाउ इज़ इट?
इसका मतलब है मुझे नहीं बनानी चाहिए। और ये है पास्ता विद टोमेटो चटनी कुछ सॉस टाइप, क्या बना ये अच्छा। चलो अब हम उधर ट्राई करते हैं। मैम लुक एट दिस, इतना बड़ा टॉयलेट है। ओके तो खाना हमने खा लिया था, आपने देखी हमने कैसे अपनी प्लेट्स ऐसे भरी थी जैसे किसी की शादी में आए हों। वो होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सही बुफे सिस्टम चल रहा था वहाँ पर। तो बहरहाल नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए फिर हम उठे थे और नमाज़ खाना देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत और बेहतरीन है। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत कितना प्यारा सा एक वाह। नमाज के अवकात लिखे हुए हैं ये हर जगह मेंशन होते हैं। ये माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ा है, ये जिसने ऊपर बैठ के पढ़नी है नीचे बैठ के नहीं पढ़ सकता माशाल्लाह। और क्या क्या है यहाँ पर, ये जाएंगे नमाज़ें पढ़नी हुई हैं सबके तो। और ये नमाज चादर भी है अगर आपके पास जो है वो घर पे रहने के लिए कुछ नहीं है तो। अब हम नमाज़ पढ़ने लगे यहाँ पर इस सबके। नमाज के बाद एक दफ़ा फिर से जो है वो खाने का राउंड स्टार्ट हुआ था क्योंकि चाय नहीं पी हुई थी, तो चाय के साथ थी ना स्नैक्स वगैरह तो चलते हैं फिर सैंडविच छोटा मोटा इस तरह की चीज़ें। खाना अगर मैं आपको कहूँ तो बताऊँ तो खाना जो है वो ओवरऑल एवरेज था, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था ऑफिस थी इतनी देर का तो इन्होंने रखा होता है, बट चेंज करते जाते हैं डिशेज जो है वो इनकी चेंज होती जाती हैं, मॉर्निंग में और होती हैं, लंच में और होती हैं, इवनिंग में और होती हैं, डिनर में और होती होंगी। तो हमारा जो है वो ज़ाहिर है वही हाल हुआ जो एक भाबे खरगोश के मज़े लेने वाले शख्स के साथ होने लग जाता है। जब हमें जहाँ पर सुकून मिला, शांति मिली, सोफ़े मिल गए, आराम मिल गया, खाना मिल गया, हम आराम से बैठ गए और उसके बाद हम लेट हो गए। हमारी जो है वो 5:35 में बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट होनी थी और यहाँ पर मेरे ख्याल में 6:10 थे ये बंद करने वाले थे वो लोग गेट्स, और रब नवाज़ को जो है वो कॉल्स आ रही थी कि आ जाए किधर रह गए आप, पहुँचे जल्दी से, बोर्डिंग हम जो है वो बंद करने लगे हैं। तो हम ही दो मुसाफिर जो है वो शायद रह गए थे पीछे। रब नवाज़ ने मुझे शुरू में ही कहा था बेगम आराम से चलेंगे, और फिर ऐसा आराम हुआ ना उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी लंबी मेरी दौड़ लगवाई क्योंकि लाउंज जो है वो बहुत दूर था हमारे गेट से। तो अब वो देखें किस तरह आगे आगे भाग रहे हैं और मैं पीछे अपना बस्ता लेके हांफती कांपती हुई जा रही हूँ, दिल में इनको मैं ढेरों सलावातें सुना रही थी पीछे मुड़ मुड़ के, मुझे तसल्ली दे रहे थे कि बेगम बस थोड़ी देर और थोड़ी देर और उसके बाद तुम पहुँच जाओगी। इधर उधर इतनी चीज़ें थी जो मेरी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करी थी, और देखें मुझे मैं बस्ता पकड़ के इनके पीछे पीछे लगी हुई थी। बस यही होता है ब्लाइंडली फॉलो करने का नुकसान, अगर मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे भी कुछ पकड़ाया तो कोई टिकट मेरे भी हाथ में दी होती मियाँ साहब आपने तो कम अज़ कम मैं टाइम तो याद रखती। इन साहब को देखो ज़रा कितना आगे पहुँच गए हुए हैं, पीछे बीवी की तो कोई ख्याल ही नहीं है, सारे मर्द ऐसे ही चलते हैं मेरे ख्याल में। अब इनको तो पड़ी हुई थी कि जल्दी से जो है वो पहुँचूँ कहीं बंदी ना कर दें वापस ना जाना पड़े हमें। तो तहिया किया था यहाँ पर जब ये हाल हुआ था कि अब जो है ना आगे जाके ख्याल करेंगे, तो फाइनली हम पहुँच गए अल्लाह का शुक्र है। और इन द प्लेन नाउ, और ये रहे हम अपनी सीट्स जो है वो ढूंढते हुए। अब हमारी सीट्स की भी एक लंबी कहानी है, हर काम ही मैं कहती हूँ हमारा जब से ये स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग स्टार्ट हुई थी तो एडवेंचर से कम नहीं था। रब नवाज़ ने अपनी जो है वो पहले करवा ली थी फ़्लाइट, और मेरी जो है वो इन्होंने बाद में करवाई थी, और अब इनको जो है वो टेंशन थी कि हमें जो है ना सीट्स जो है वो अलॉट नहीं होंगी साथ साथ। जी तो सऊदी एयरलाइन से हम ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि हमारी कनेक्ट फ़्लाइट थी, हमारी पहले दुबई से रियाज की थी, फिर रियाज से आगे हमारी कुआलालंपुर की थी। तो हाँ एक लंबा सफ़र जो है वो शुरू होने वाला था फाइनली। सफ़र की तमाम मसनून दुआएं जो हैं वो हमें पढ़ा दी गई थी ताकि हमारा सफ़र जो है वो खैर आफियत से अमन व सलामती के साथ गुजरे। तो अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से अमन व सलामती के साथ ही जो है वो हम पहुंचे रियाज एयरपोर्ट तक। अब सफ़र में जो है ना हमने करने के लिए थोड़ा अपना सफ़र इंजॉय करने के लिए एक दो काम जो है वो किए हुए थे। हाँ विंडो के साथ सीट नहीं थी हमारी, बट ओके
एज लॉन्ग एज हम दोनों जो है वो इकट्ठे बैठे थे तब तक हर चीज़ जो है वो फाइन है, गुड है। तो अब हमारी ये फ़्लाइट जो है ये थी 1 घंटा 20 मिनट की छोटी फ़्लाइट थी, बहुत लंबी नहीं थी, जल्दी सफ़र गुजर गया था। सबसे पहले उन्होंने हमें खाने के लिए दिया था एक अदद पिज़्ज़ा स्लाइस, सबसे पहले क्या यही मील था, यस स्नैक मिला था क्योंकि लंबी फ़्लाइट नहीं थी तो खाने की तो ज़रूरत नहीं थी। नहीं ये खाने बिल्कुल नहीं मिले थे, ये सिर्फ वो अपनी डिशेस दिखा रहे थे हमें एंटरटेन करने के लिए पूरी फ़्लाइट के दौरान। तो हमको मिली थी पिज़्ज़ा स्लाइस और हमको मिला था कपकेक, हमको पिज़्ज़ा स्लाइस और कपकेक नहीं मिला था, बल्कि ऑप्शनल था आप कपकेक लेना चाहते हो या आप पिज़्ज़ा स्लाइस लेना चाहते हो, दो चीज़ें थी उनमें से कोई एक आप अपनी चॉइस की पिक कर सकते हो। साथ में कहवा चाय शाय कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए, चाय जो है वो मैं आपको बता दूँ पाकिस्तानी चाय तो बिल्कुल नहीं थी। तो रब नवाज ने जो है वो दोनों चीज़ें लेनी थी, मेरे लिए पिज़्ज़ा अपने लिए जो है वो कपकेक, ताकि हम दोनों चीज़ें जो है वो इन्जॉय कर सकें। देखने में जितना कमाल लग रहा ना खाने में बिल्कुल नहीं था, तो शक्ल पे चाहिएगा। ये बूमरैंग बनाया था रमनवाज के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरीज तो बनती हैं ना सारे रास्ते सफ़र के साथ साथ। तो ये मेरी चादर इन्होंने अपने शोल्डर से इसलिए डाली हुई है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इनको सर्दी से बचाने के लिए मैंने अपनी चादर पकड़ा दी थी। अब हमने जो है अपना मील इंजॉय किया, बट जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी की सारी मेरी हवा हो गई। चांपर ही दो दालों से खेल लेते हैं, चलिए एक से ही खेलते हैं, रूल्स बताएं। मरना और नीचे आने मरना और नीचे आने मरना भी मरना नहीं है, ये कैसा रूल हुआ। हमने ये लूडो ली हुई थी, हमने फ्री लूडो इसको हम कहेंगे, खेलने के लिए ताकि हमारा सफ़र जो गुजर जाए। मैं जीत गई थी, ये सांप वाली गेम तो बड़ी इजी थी, इन्होंने मेरे साथ दूसरी लगाई नहीं थी वरना मैं उसमें भी इनको हरा देती, डर गए थे बच्चू। ये रेस्टिंग पिलो इसलिए लिया था रबनवाज से ताकि हम प्लेन में जो है वो थोड़ा रेस्ट भी कर सकें, थोड़ा सो सकें, और क्योंकि ये फ़्लाइट तो छोटी थी, पर जो हमारी अगली फ़्लाइट थी रियाज से कुआलालंपुर की वो हमारी 7-7.5 घंटे की थी, तो उसमें तो डेफिनेटली हमें चाहिए था। ये देखें हम रियाज जो है पहुँच गए ऑलमोस्ट, और रियाज की रौनकें जो हैं वो नज़र आने लग गई हैं। यहीं से अंदाज़ा हो गया कि भाई हम सऊदी अरेबिया के एक खूबसूरत तरीन शहर में जो है वो लैंड कर रहे हैं। माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है, रात में तो मैं कहती हूँ नज़ारे ही अलग होते हैं। एयरपोर्ट हम पहुंच गए, सफ़र का एक हिस्सा तो हुआ तमाम, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊं और आपको जल्दी देखने को मिले कि हमारा अगला स्टॉप कुआलालंपुर था और वो कितना खूबसूरत मकाम था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।